टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। अनन्या पांडे ने फाइनली एक्टिंग सीख ही ली। किधर है? अरे भाई, अब वो 42 वाली अनन्या पांडे नहीं रही है जिनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स थे। Everyone has their own journey and their own struggles. अब नई अनन्या पांडे ने जन्म ले लिया है, अनन्या पांडे 2.0, जिनके पास टैलेंट है। अरे ये वाला टैलेंट नहीं यार, हर जगह रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती और पुरानी बातों को पीछे छोड़ दो ना। फिलहाल वो OTT पर अपना टैलेंट दिखाने में लगी हुई है। कॉल मी वे एंड अब CTRL भी आने वाला है। हेलो, मैं हूँ नेला। एंड आई एम जो। टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ एंड हैप्पीनेस। बट क्या अनन्या पांडे आलिया भट्ट जैसे एक्टिंग में अपना आयरन लोहा मनवा पाएंगी? आलिया भट्ट से इसलिए कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों ही स्टारकिड हैं, दोनों को करण जौहर ने लॉन्च किया है, आलिया की पहली फिल्म सॉटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और अनन्या पांडे की भी सेम सॉटी 2, दोनों ही बॉलीवुड की वॉनबी पू हैं, मतलब कि दोनों की ही आदर्श करीना कपूर है। How dare you? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। वैसे ये OTT पर आना जिसका भी मास्टर प्लान हो, लेकिन अनन्या पांडे के लिए सही काम करता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे, वो आगे वीडियो में बताती हूँ। और इसी वीडियो में हम करेंगे अनन्या पांडे के करियर का विश्लेषण। So stay tuned till the end. तो सबसे पहले बात करते हैं अनन्या पांडे के फिल्म स्ट्रगल्स के बारे में। कॉल मी वे में अनन्या पांडे के कपड़े जितने रंगीन हैं, उतनी ही रंगीन इनकी फिल्में नहीं रही हैं, क्योंकि उनमें से फ्लॉप्स ज्यादा हैं और हिट्स वो तो इनकी वार्डरोब में है ही नहीं कहीं पर। 2019 में सॉटी 2 से बॉलीवुड में एंट्री ली, ना फिल्म चली और ना ही अनन्या पांडे का मैजिक चला। फिर दूसरी फिल्म आई कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर के साथ पति पत्नी और वो, और उस फिल्म में इनकी तारीफ हमसे नहीं हो पाएगी क्योंकि तारीफ जैसा कुछ काम ही नहीं था उसमें उनका, बिकॉज शी वॉज ब्लैंड एंड बोरिंग विद नो स्पाइस। तो अनन्या को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म डेब्यू मिला था, बट अवार्ड की सच्चाई तो सलमान खान ने ऑलरेडी सबको बता दी थी ना। देन 2020 में ईशान खट्टर के साथ एक एक्शन फिल्म खाली पीली में वो नजर आई, जो कि बिल्कुल अपने नाम की तरह ही निकली, खाली और पीली, एंड जिसने भी देखी उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो फिल्मों का सिलसिला तो इनका ऐसा चला, उससे ज्यादा ये अपने लव अफेयर्स और बाकी चीजों को लेकर चर्चाओं में रही। लेकिन फिर आई दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ इनकी फिल्म गहराइयां, जहां थोड़ी थोड़ी बात ना समझना शुरू हुई। पर सेम ईयर विजय देवाकोंडा के साथ लाइगर आ टपकी और उसने और ज्यादा ही काम खराब कर दिया, ना फिल्म चली और लोगों के बीच थूथूई वो अलग। विजय का बॉलीवुड डेब्यू भी फ्लॉप शो रहा। आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल 2 में भी अनन्या को लेकर ज्यादा किसी ने बात नहीं की, क्योंकि सारा का सारा टेंशन तो आयुष्मान को ही मिल गया। पर खो गए हम कहां, चेंज द नैरेटिव, वहां से चीजें पिक होना शुरू हुई एंड अनन्या की एक्टिंग को लेकर एटलीस्ट लोगों ने बात करनी शुरू की। एंड नाउ दिस ईयर कॉल मी बे को भी सही अटेंशन मिला एंड CTRL पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, जिसका ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। CTRL का ट्रेलर देखकर लगा कि भाई अनन्या पांडे ना अब अपना नया वर्जन लॉन्च करना चाहती हैं। लगता है OTT ने उन्हें थोड़ा फ्रीडम दिया है एक्टिंग में एक्सपेरिमेंट करने का। मतलब थिएटर्स में तो थोड़ी एक्टिंग बफर होती थी, लेकिन अब OTT के जरिए वो अपने एक्टिंग के बैंडविड्थ को बढ़ाना चाहती हैं, विच इज अ गुड डिसीजन आई से। CTRL में थ्रिलर और मिस्ट्री का तड़का देखकर लगा कि फाइनली अनन्या इज ट्राइंग टू प्रूव कि उनकी एक्टिंग स्किल्स सिर्फ सॉटी तक ही लिमिटेड नहीं है। एंड ऑनेस्टली ये स्मार्ट मूव है। OTT ने पिछले कुछ सालों में कई एक्ट्रेस के करियर को ना बूस्ट किया है, जैसे कि कियारा आडवाणी के लिए लव स्टोरीज या फिर भूमि पेडनेकर के लिए लूडो। अनन्या भी ये फॉर्मूला ट्राई कर रही हैं, ट्रेलर देखकर लगता है कि ये फॉर्मूला उनके फेवर में जा सकता है। अब बात करते हैं स्टार किड्स के कंपैरिजन की। आलिया भट्ट से जाह्नवी तक अनन्या पांडे किधर फिट होती है? देखो अब कंपैरिजन तो बनता है। आलिया भट्ट ने तो अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड को क्वालिटी कंटेंट दिया है, मतलब हाईवे, राजी, गंगूबाई, और हम सबको पता है कि वो एक रियल टैलेंट का एग्जांपल है। वहीं जाह्नवी कपूर की बात करें तो उनके हिस्से ऐसा कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है, बट उन्होंने भी स्लो स्टार्ट के बाद गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म्स को लेकर अपनी एक्टिंग के लेवल को इम्प्रूव किया है। पर अनन्या पिछले कुछ सालों से उनका ग्राफ उतना स्टीप नहीं था, लेकिन ये CTRL प्रोजेक्ट देखकर लगता है कि फाइनली अनन्या भी
अपना नया चैप्टर शुरू करने वाली है। मतलब सबको एक OTT का रीसेट बटन मिलता है और लगता है कि अरण्या का रीसेट फाइनली काम कर रहा है। लेकिन यार ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ट्रेलर टॉक है या फिर फुल फ्लेज्ड सक्सेस होगा, ये तो CTRL के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अनन्या पांडे अपनी सॉटी 2 वाली इमेज को फाइनली ब्रेक करके अपनी एक्टिंग लेवल्स को अपग्रेड कर पाएंगी, या फिर ये सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट का झकास ट्रेलर और सेम पुरानी एक्टिंग होगी? मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज फॉलो स्विच।